इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से गत दिवस विश्व हास्य दिवस पर सेल्फी विद स्माइल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस संदर्भ में प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों एवं 10वीं व 12वीं कक्षा के परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जादूगर नवल राणा अजूबा ने प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों व क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए इंडियन मीडिया सेंटर के अध्यक्ष वरिंदर त्यागी ने बताया कि सेंटर का उद्देश्य पत्रकारिता व पत्रकार उत्थान के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना है। इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों विश्व हास्य दिवस के मौके पर आयोजित सेल्फी विद स्माइल के विजेताओं के साथ साथ 10वीं व 12वीं कक्षा के परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जादूगर नवल राणा अजूबा उपस्थित रहे। उन्होंने कॉन्टेस्ट के विजेता प्रतिभागियों एवं विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि विद्यार्थी हमारे देश की धरोहर हैं और आज के विद्यार्थियों को निष्ठा व लगन से मेहनत करके देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। नवल राणा ने कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य है और भविष्य उज्जवल बनाने के लिए छात्र व छात्राओं के पास 4 वर्ष हैं, जिनमें लगन से पढ़ाई करके देश व स्वयं के लिए नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। इस अवसर पर सेल्फी विद स्माइल कॉन्टेस्ट के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही सांत्वना पुरस्कार हासिल करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों में रेणु त्यागी प्रथम, डॉक्टर अभय अविका द्वितीय तथा पूजा तीसरे स्थान पर रहीं। इसके अतिरिक्त सांत्वना पुरस्कार के लिए सीमा शर्मा, प्रियंका विक्रम, प्रोफेसर ऋचा खरबंदा, कविता पांडे, डॉक्टर पायल तथा भारत भूषण बब्बू एवं भाविका को निर्णायक मंडल द्वारा चुना गया था। इन सभी विजयी प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल में अभिनेता शाहबाज खान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमन बहमनी, सामाजिक कार्यकर्ता इंदु गुप्ता तथा अध्यापिका प्रियंका त्यागी शामिल थे। मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किए गए विद्यार्थियों में मुख्य रूप से स्पर्श, अभिनव, अक्षित विधु, निहार, विनायक राय तथा अक्षिता त्यागी शामिल थे। इन सभी ने CBSE बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा ICSE बोर्ड से कक्षा 10वीं के परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी आदि वशिष्ठ तथा नंदिनी त्यागी को भी जल्द ही इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए इंडियन मीडिया सेंटर के अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि सेंटर की ओर से समय समय पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं ताकि इंडियन मीडिया सेंटर अपना सामाजिक दायित्व भी निभा सके। मौके पर पंडित विपल्लव शास्त्री, सुरेश कुमार, मंगत राम ढेंगरा, राहुल कोहली, अरविंद शर्मा, अजय त्यागी, परीक्षित त्यागी, सत्यम नागपाल, तिलक अरोड़ा, छोटा त्यागी, अवतार चुग एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस प्राइज के लिए इंडियन मीडिया का मैं थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। थैंक्स अ लॉट। आयोजकों का, विशेष रूप से इंडियन मीडिया सेंटर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने इसका आयोजन किया। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बोलो थैंक यू। इनको बोलो और मोबाइल से बाहर उलझे हुए हैं, उनसे बाहर निकल कर हम अगर अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो देश के लिए एक अच्छा भविष्य, लिए अपना हरियाणा के नाम पूरे देश में नाम रोशन भी करेंगे। इसमें हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे, हमारा देश चालू होगा। मैजिक बोलिए तो। अरे कर दीजिए। वाह भाई, वाह।